खबर ग्वालियर जिले से है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने अपने बयान में कहा कि बाबा साहेब का बनाया संविधान कल भी प्रासंगिक था, आज भी है और सदियों तक रहेगा। आपको बता दें कि हर साल देश में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है और इसी कड़ी में ग्वालियर में मुख्य फूलबाग चौराहे पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने बड़ी संख्या में पहुंचे। और इसी दौरान विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बाबा साहब देश के ऐसे ही हुतात्मा है, जिन्होंने देश के विकास में और देश का संविधान बनाने में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने की हमको शक्ति प्रदान करे। पूरे देश भर में उल्लास के साथ स्थान स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मैं भी ग्वालियर में था तो इसलिए यहाँ ग्वालियर में आया, अन्य स्थान पर होता तो अन्य स्थान पर जाता। बाबा साहब हमारे देश के ऐसे हुतात्मा हैं, जिन्होंने देश के विकास में और देश का संविधान बनाने में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और सदियों तक वो प्रासंगिक रहेगा।